रोमन रेंस का मैच कंफर्म हो ही गया। काफी टाइम से दोस्तों रोमन रेंस का मैच कंफर्म नहीं हो रहा था, लेकिन क्राउन जोल के लिए आज फ्रेडेंस मैडल में दोस्तों ट्राइबल चीफ के ओपोनेंट का पता चल गया। इसके अलावा दोस्तों मेन इवेंट में हम लोगों ने देखा है एक बड़ा रिटर्न, प्लस रोमन रेंस का दोस्तों फ्यूचर ओपोनेंट रैंडी ऑर्टन भी लौटने जा रहा है, लेकिन इस पर क्या है अपडेट, चलिए बात कर लेते हैं। तो गाइस आज की स्मैकडाउन जो थी सैन एंटोनियो से लाइव थी, अभी अभी दोस्तों खत्म हुई, और इसके अंदर दोस्तों जो कुछ हम लोगों ने देखा ना, लिटरली गूज़बम्स आ गए हैं। इसके अंदर दोस्तों शुरुआत में ही हम लोगों ने देखा है कि कैसे रोमन रेंस का मैच कंफर्म होता है। यहां दोस्तों सबसे पहले एंट्री होती है पॉल हेमन की सैन एंटोनियो, आज की स्मैकडाउन जो लाइव थी, पॉल हेमन दोस्तों सबसे पहले किक ऑफ करते हैं। इसके अंदर दोस्तों पॉल हेमन जो है ये चीज कहते हैं कि आप लोगों ने वो चीज देखी जिस पर लोग कहते हैं व्हाट, और इस पर दोस्तों पॉल हेमन कहते हैं वही जो कि रॉ में हुई, वहां हमारे जिमी उसो ने हरवा दिया जे उसो को। जे उसो एंड कोडी अब अनडिस्प्यूटेड टैग टाइटल्स होल्डर नहीं है, क्योंकि जिमी उसो ने इंस्पिरेशन ली रोमन रेंस से, अपने स्वामी से, और वो करके दिखाया जो कि बिल्कुल अनथिंकेबल था। इसके बाद दोस्तों वो आगे कहते हैं कि कुछ ऐसा ही क्राउन जोल में भी होने वाला है, क्योंकि वहां हमारा ट्राइबल चीफ जो है अपनी चैंपियनशिप डिफेंड करेगा एक बंदे के खिलाफ जिसे आप सब लोग कहते हैं LA नाइट। इस पर दोस्तों LA नाइट की एंट्री हो जाती है, LA नाइट आते हैं और गाइस LA नाइट कहते हैं कट द म्यूजिक, और उसके बाद दोस्तों रिंग में जाते हैं और ये चीज कहते हैं पॉल हेमन से, देखो शायद से तुम्हारा स्वामी आज यहां नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं वो रिंग में हो, तो रोमन रेंस रिंग में आओ। इस पर दोस्तों पॉल हेमन कहते हैं कि शायद वो नहीं आएगा और मेरी जरूरत नहीं है तो मैं चलता हूं, जिस पर दोस्तों LA नाइट कहते हैं मैंने तुझे जाने को कहा लेकिन तू जाएगा नहीं, तू इधर ही रहेगा। इस पर दोस्तों पॉल हेमन वहीं खड़ते हैं और इस पर दोस्तों LA नाइट आगे ये चीज कहते हैं कि देख तू क्या कह रहा है कि क्राउन जोल में रोमन रेंस जो है वो जीत जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। और रही बात लास्ट वीक की, उसने मुझ पर अटैक किया, अगर उसने मुझ पर अटैक किया तो उसे ढंग से करना चाहिए था, मैं अभी भी खड़ा हूं और मैं माइकल मायर्स की तरह बार बार उठकर आऊंगा, मैं स्टे डाउन नहीं करने वाला हूं। रही बात उसकी, तो वो डरा हुआ है, रोमन रेंस को सीधे सीधे डरपोक कह दिया, वो चीज कहते हैं कि रोमन रेंस एक बहुत बड़ा डरपोक है, शायद इसीलिए वो आज नहीं आ रखा है। जिस पर आगे वो कहते हैं कि वो उनकी एक थिंग वो करते हैं, वो है अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप। यहां से उनका हल्का सा दोस्तों फंबल भी हो गया, क्योंकि उन्होंने दोस्तों आगे पीछे कर दिया दोस्तों चैंपियनशिप का नाम, लेकिन आगे ये कहते हैं कि रोमन रेंस जो है क्राउन जोल में हारेगा, मैं जीतूंगा, और वहां वो ये चीज जानेगा क्यों मुझे LA नाइट कहा जाता है। आगे दोस्तों वो एक इन्फॉर्मेशन देते हैं जिसके अंदर वो कहते हैं कि नेक्स्ट वीक वो आने वाला मैं जानता हूं, जहां हम दोनों की कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होगी, और वहां वो जानेगा कि मुझे क्यों कहा जाता है LA नाइट। तो यहां दोस्तों एंड में उन्होंने अपना कैच फ्रेज यूज किया व्हेन एवरीबॉडी सेज LA नाइट, और उसके बाद वहां से चल दिया, और इस तरीके से सेगमेंट हुआ है खत्म। वहां दोस्तों हेमन ने रोमन रेंस को कॉल लगाया है। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है ना, वो था गाइस लैशली का अपने लड़कों को बिल्कुल तैयार करना। तो लैशली दोस्तों अपने लड़कों को आज के लिए तैयार कर रहे थे, और गाइस उनके लड़के बिल्कुल तैयार भी हो चुके थे, जिसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा उनके लड़के यानी कि दोस्तों मॉन्टेस फोर्ड का मैच। तो स्ट्रीट प्रॉफिट वाले दोस्तों यहाँ इंस्पायर्ड होकर आ रखे थे बॉबी लैशली से, और कुछ ऐसे इसका रिजल्ट भी आया। वहां दोस्तों जो हमारे एंजेलो डॉकिंग्स है LWO को आउटसाइड टेकआउट करते हैं। मैच दोस्तों हो रहा था एस्कोबार एंड फोर्ड के बीच में, एस्कोबार का ध्यान भटका जब उन्होंने देखा अपने भाइयों को पिटते हुए, वो बाहर जाते हैं, लेकिन जब वो अंदर आते हैं उन्हें लग जाता है तगड़े वाला रोल अप 1, 2 and 3। वहां दोस्तों फोर्ड जीत गए हैं, और यहां दोस्तों बेचारे एस्कोबार की तगड़े वाली हार हुई है। आफ्टर द मैच ये चीज देखने को मिलती है कि गाइज वहां एंजेलो डॉकिंग्स एंड जो हमारे अपने फोर्ड अटैक करने की कोशिश करते हैं एस्कोबार के ऊपर, लेकिन कार्लिटो ने आकर LWO को रेस्क्यू कर दिया। इन द मीन टाइम बैकस्टेज दोस्तों रे मिस्टीरियो जाकर मिलते हैं LWO के मेंबर से, और ये चीज कहते हैं कि क्या वो सब ठीक है, वो उनकी दोस्तों पूछते हैं कि उनकी हालत कैसी है। और इस पर दोस्तों रे कहते हैं कि वो इसलिए वहां नहीं आए क्योंकि आज लोगन पॉल के खिलाफ उनका एक्साइटमेंट है, जिसपे वेगा कहती है क्या आपको वहां हमारी जरूरत पड़ेगी, जिस पर रे कहते हैं नहीं ये मेरा बिजनेस है, मैं उसे देख लूंगा। तो आज लोगन पॉल का रिटर्न होने वाला था, और गाइस रे मिस्टो के खिलाफ दोस्तों इनका एक फेस ऑफ था। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों हमें देखने को मिलता है हमारे जिमी उसो का सेगमेंट। तो हमारे हिम जिम यानी कि दोस्तों जिमी उसो बैकस्टेज सेगमेंट काट रहे होते हैं। ये चीज कहते हैं क्या तुमने वो चीज देखी रॉ में जो कुछ हुई, हेमन कहते हैं कि हाँ, इवन मैंने मेंशन भी किया आज स्मैकडाउन की शुरुआत में कि तुमने क्या कुछ किया, जिस पर जिमी उसो काफी उछल रहे होते हैं, और ये चीज कहते हैं कि वो है हिम जिम। और
इस दौरान दोस्तों पॉल हेमन का ध्यान जाता है बिग स्क्रीन के ऊपर, जहां कहते हैं दिख वो आ गया, जिस पर जॉन सीना की हम लोगों को देखने को मिलती है तगड़े वाली एंट्रेंस एरिना में। और उसके बाद दोस्तों हमें उनका सेगमेंट भी देखने को मिला है। यहां दोस्तों जॉन सीना की एंट्रेंस पर जॉन सीना का काफी तगड़ा चैंट सुनने को मिलता है, हर कोई सीना सीना और थैंक यू सीना की चैन लगाता है, जो कि दोस्तों दिल को काफी सुकून देने वाला था, क्योंकि सीना रिस्पेक्ट डिजर्व भी करते हैं। सीना ये चीज कहते हैं कि आप नहीं जानते हैं आप क्या चीज कह रहे हैं, थैंक यू मेरी तरफ से। इस पर दोस्तों जनता रोअर करती है। और उसके बाद सीना कहते हैं कि देखो मैंने मेंशन किया रोमन रेंस की स्ट्रीक को, क्यों 1100 दिन से ज्यादा चैंपियन रहा है, एक स्ट्रीक मेरी भी है, मुझे भी 2000 दिन हो चुके हैं कि मैंने अपना आखिरी टेलीविज्ड शो कभी जीता था। 2018 में मैंने लास्ट टाइम अपना सिंगल्स कंपटीशन जीता था टेलीविजन के ऊपर, तब से लेकर अभी तक मेरी कोई भी जीत नहीं हुई है, और मैं जानता हूं ये काफी बुरी स्ट्रीक है, मैं चाहता हूं ये टूटे। तो इफ यू वांट सम कम गेट सम, जो भी बंदा आएगा वो स्मोक हो जाएगा, यानी कि दोस्तों उसे पेल दिया जाएगा, रेल दिया जाएगा। इस पर दोस्तों सरप्राइजिंगली सोलो सिकोवा की एंट्री हो गई। तो गाइस सोलो सिकोवा ने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया, और गाइस यहां घुसते ही सार उनकी भिड़ंत हो जाती है जॉन सीना के खिलाफ, जो कि काफी तगड़ी भिड़ंत थी। यहां जब वो भारी पड़ने लगे तो गाइस वहां जिमी उसे आकर सुपर किक कर दिए। इस दौरान दोस्तों जिमी उन्हें पीट ही रहे थे कि एक बहरूपी ने उन्हें बाहर खींच दिया, जो कि नन अदर देन आवर जियोसु था। जियोसु ने दोस्तों सुपर किक किया और गाइस वहां हमारे जिमी को खूब तोड़ा, और जहां दोस्तों बैल बस्ती है वहां घेर दिया। इस दौरान दोस्तों वहां बहुत सारे ऑफिशियल्स आ जाते हैं, जो कि खींचकर दोस्तों जियोसु को बैक से ले जाते हैं अंदर। जॉन सीना दोस्तों जो है हमारे वो गाइस सोलो सिकोवा को एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगा देते हैं। तो यहां दोस्तों सोलो सिकोवा का जो एटीट्यूड है वो भी एडजस्ट हुआ है, बात की जाए इसके बाद क्या हुआ है। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी ना कि वो था अल्बाइन फायर का सेगमेंट। तो गाइस ये जो वुमेन्स की टैग टीम है ये भी दोस्तों हम लोगों को जल्द देखने को मिलेगी, और इनका एक टीजर दिखाया गया काफी डार्क सा था, उसमें लिखा हुआ था द अनहोली यूनियन इज कमिंग। तो जल्द दोस्तों इनका रिटर्न होने वाला है, ये चीजें बता रही थी। अब जो अगली चीज थी वो दोस्तों फ्यूचर के बारे में बहुत कुछ बताती है। तो हाँ दोस्तों सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स को टीज किया गया, वहां हम लोगों को क्या चीज देखने को मिलती है कि जे उसो जो कि दोस्तों बॉडीगार्ड्स के द्वारा वैक्सीन ले जाए गए थे, आगे रखे जाते हैं किसके, हमारे ब्रांड न्यू जनरल मैनेजर यानी कि निक एल्डिस के सामने। और वहीं दोस्तों एडम पियर्स भी आ रखे थे सरप्राइजिंगली। निक एल्डिस ये चीज कहते हैं कि जो कुछ रॉ में हुआ उनके कंट्रोल में नहीं था, लेकिन यहां स्मैकडाउन में जो कुछ होगा वो उनके कंट्रोल में है, और ऐसे में जे उसो को $10,000 का जुर्माना लगाते हैं। जिन लोगों को पता है $10,000 रुपयों में कितने होते हैं कमेंट डाउन में लो। इस पर दोस्तों जे उसो का मुंह बन जाता है, एडम पियर्स कहते हैं कि तुम काफी गलत कर रहे हो और ये चीज तुम्हें नहीं करनी चाहिए, जिस पर जो निक एल्डिस है वो चीज कहते हैं मैं कर सकता हूं क्योंकि स्मैकडाउन मैं रन कर रहा हूं ना कि तुम। और इस पर दोस्तों जे उसो को वो ये चीज कहते हैं कि बॉडीगार्ड्स इसे निकाल दो, इसे एरिना से बाहर कर दो। एडम पियर्स रोकने की कोशिश करते हैं, जिस पर दोस्तों निक एल्डिस कहते हैं इस बंदे को भी निकाल दो। एडम पियर्स कहते हैं कि जो चीज तुम कर रहे हो ना उसका अंजाम काफी बुरा होगा। निक एल्डिस कहते हैं वो जानते हैं वो क्या कर रहे हैं, जिस पर दोस्तों एडम पियर्स ने कहा है कि चलो गेम शुरू करते हैं। तो गेम यानी कि दोस्तों वॉर गेम्स सर्वाइवर सीरीज का दोस्तों यहाँ नींव डल चुका है, एंड रॉ वर्सेस स्मैकडाउन, यस यही थीम रहने वाला है इस बार की सर्वाइवर सीरीज का। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, लोगन पॉल दोस्तों इसके बाद रिंग के अंदर आ जाते हैं, एक लंबे अरसे के बाद उनका रिटर्न था। लोगन पॉल रिंग के अंदर आते हैं और बात करते हैं अपने बॉक्सिंग वाले ओपोनेंट की, जो कि दोस्तों हाल फिलहाल में उन्होंने हराया है, जिसका नाम डेनिस है। वो चीज कहते हैं डेनिस काफी बड़ी हार हारा है, और ऐसे में चीज कहना चाहेंगे कि आगे फोकस करेंगे, उन्होंने एक डेड बीट डैड को हरा दिया है, लेकिन अब उनकी नजर एक और बंदे के ऊपर है जो कि ऑब्वियसली एक और डेड बीट डैड है, रे मिस्टीरियो में उनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, उनकी चैंपियनशिप वो हथियाना चाहते हैं, जिस पर रे मिस्टीरियो की एंट्री होती है। रे मिस्टीरियो आते हैं और ये चीज कहते हैं कि देखो तुम कुछ ना कुछ वैसे हो जैसे कि मेरा लड़का, तुम मुझे मेरे लड़के की याद दिलाते हो, तुम में सब कुछ है, यू आर सो टैलेंटेड, बट तुम्हारे एटीट्यूड को ढंग से रखने की जरूरत है, तुम्हारे एटीट्यूड को नीचे लाने की जरूरत है, तुम्हें हम्बल करने की जरूरत है, और वो चीज मैं बकायदा करूंगा। जिस पर दोस्तों उन्होंने अपनी चैंपियनशिप बिछा दी और ये चीज कही, यू एंड मी एट क्राउन ज्यूल। इसके बाद दोस्तों लोगन पॉल हाथ बढ़ाते हैं, रे थोड़ा सा दोस्तों हिचकिचाते हैं, लेकिन फिर फाइनली दोनों के बीच में दोस्तों वहां हाथ मिलाया जाता है, दोनों के बीच में दोस्तों काफी अच्छा दोस्तों हम लोगों को सेगमेंट देखने को मिलता है। और उसके बाद दोस्तों लोगन पॉल रिंग को लीव कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों लोगन पॉल काफी डिसरिस्पेक्ट यहां किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने हल्का सा रिस्पेक्टिव भी दोस्तों अपना जो कह सकते हैं रवैया है रे मिस्टीरियो के प्रति दिखाया। रे काफी कंफ्यूज थे यहाँ, लेकिन हाँ मैच कंफर्म हो गया है और एक सेकंड मैच आज क्राउन जोल में कंफर्म हुआ है, जो कि डब्ल्यू वन कंफर्म किया। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने एक फिलर मैच देखा है, जो कि था दोस्तों हमारे अपने ग्राइम्स का। ग्राइम्स
एंड दोस्तों ड्रैगन ली फेस किए हैं दोस्तों ऑस्टिन थ्योरी एंड गाइस उनके मित्र यानी दोस्तों बॉलर को। मैच वॉज गुड और इसके अंदर दोस्तों जो हमारे अपने ऑस्टिन थ्योरी एंड ग्राइम्स है वो जीत गए, जो कि काफी तगड़ी जीत थी। आफ्टर द मैच हम लोगों ने केविन ओन्स का सेगमेंट दिखाया और केविन ओन्स दोस्तों वहां काफ़ी ज़्यादा सवालात के दौरान दोस्तों बहुत सारी चीज़ें बताते भी है। यहां दोस्तों क्या चीज़ बताते हैं कि वो स्मैकडाउन में आ रखे ताकि वो नए नए फेसेस को फेस कर सके, जैसे कि LWO के मेंबर्स को उन्होंने फेस नहीं किया है, उन्होंने बहुत सारे स्टार्स को स्मैकडाउन के अंदर फेस नहीं किया है और ये सारे नए चेहरे जो है इन्हें वो फेस करने के लिए स्मैकडाउन में आ रखे हैं और ऐसे में वो बताना चाहेंगे क्यों स्मैकडाउन अब उनका घर बना गया है। तो यहाँ दोस्तों केविन ओन्स ने भी काफी अच्छा सेगमेंट दिया जिसके बाद हम लोगों ने देखा है मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग। तो गाइस ये था शार्लेट फ्लेयर एंड इयो स्काई का और गाइस सच्ची बात बताऊं इसके अंदर बहुत ज्यादा मजा आया भी। इसके अंदर दोस्तों शार्लेट फ्लेयर जो थी वो अगर जीत जाती तो 15 टाइम वुमेन चैंप बन जाती, हिस्ट्री की सबसे तगड़ी चैंपियन हो जाती, रिकॉर्ड तोड़ देती सारे। और इयो स्काई दोस्तों आप जानते हैं उनसे साइज में काफी कम है और थोड़ी कम स्ट्रांग भी है। हम जानते हैं दोस्तों शार्लेट फ्लेयर काफी ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन गाइस जो चीज हम ये जानते हैं कि इतना कुछ है ये चीज भी जानते हैं कि बेली जो थी कॉर्नर पर थी और शार्लेट के कॉर्नर पर कोई नहीं था और इसी चीज का फायदा पहुंचा एंड में। दोस्तों जो इयो स्काई है ना वो गाइस काफी बड़ा गंद डालती है साथ में मिलकर बेली की, बेली दोस्तों वहां जो थी रोप के ऊपर टांग डाल दी इयो स्काई की जब शार्लेट फ्लेयर उनकी पिन कर रही होती है। इस दौरान दोस्तों होता गया है कि शार्लेट टेकआउट करती है बेली को और जो दूसरी सुपरस्टार है दोस्तों डकोटा काई वो क्या करती है चैंपियनशिप पकड़ा देती है स्काई को। स्काई दोस्तों से ऐसे चेस्ट पे लेके खड़ी हुई थी, रेफरी का ध्यान भटका हुआ था और शार्लेट स्पीयर को जाती है और स्पीयर लगता है टाइटल के ऊपर, कंधा जाता है टूट 1-2-3। इयो स्काई ने दोस्तों शार्लेट फ्लेयर की पिन कर दी। आफ्टर द मैच वो सारे मिलकर पिटाई करने लग जाते हैं दोस्तों, शार्लेट की थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है, भयंका प्लेयर का भयंका प्लेयर ने रिटर्न किया और गाइस क्या ही रिटर्न था, सभी को तोड़ती है डैमेज कंट्रोल के, हर मेंबर को तोड़ती है। इस दौरान दोस्तों स्काई को लगाने वाली थी अपना फिनिशर यानी कि केओडी, लेकिन बेली आ गई बीच में और बेली को लग गया केओडी और वहां दोस्तों शार्लेट एंड बियांका एक दूसरे के साथ दिखाई देती है, स्मैकडाउन अफेयर चली जाती है। तो गाइस काफी तगड़ी एंडिंग थी और काफी ज्यादा मजा आया भी, लेकिन दोस्तों अब मजा दुगना होने वाला है। तो ये मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बता दिया था कि गाइस रैंडी ऑर्टन के रिटर्न के ऊपर काफी बड़ी अपडेट आई है, तो गाइस हाँ आई है और इतनी अच्छी अपडेट है कि आप मुझसे पूछना रैंडी ऑर्टन रिटर्न वेरी लाइकली एट सर्वाइवर सीरीज, यानी कि सर्वाइवर सीरीज के लिए रैंडी ऑर्टन का रिटर्न जो है 99.9% कंफर्म हो गया है और ये न्यूज है, कोई रूमर नहीं है गाइस। आगे क्या लिखा हुआ है, न्यू मर्च एंड ब्रांडिंग अप्रूव्ड, यानी दोस्तों नई टी शर्ट जो है जो रैंडी ऑर्टन की थी वो अप्रूव्ड हो गई है, फैक्ट्री में बनने जा चुकी है, रैंडी ऑर्टन लौटने वाले। और गाइज अंदर से फीलिंग आ रही है सर्वाइवर सीरीज जो कि अभी 1.5 महीने दूर है वहां वो किसी बड़े सुपरस्टार को अपना शिकार बनाने वाले हैं। और आपको क्या फील आ रही है कि रैंडी ऑर्टन आकर किसे RKO मारेंगे, कमेंट डाउन बिलो, मैं उसका नाम देखना चाहूंगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो आज कितनी थी इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और जो रैंडी ऑर्टन का फैन है ना, जो आपको RKO लगाता था स्कूल में, उसके साथ शेयर करना मस्ट है। वेल दोस्तों डू सब्सक्राइब, आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शबक है।